नमस्कार, टेक्सटाइल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हीना। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। दलित नेता जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस में करेंगे एंट्री। देश में दलित सियाजे एजेंडा सेट कर रही कांग्रेस। चरणजीत सिंह चन्नी के बाद जिग्नेश प्रधान। यूपी में एक पुराने घर की खुदाई के दौरान ईंटों का सम्राट अशोक के काल का चबूतरा मिला। 42 सेंटीमीटर लंबी होती थी। सोना चांदी हुआ सस्ता। सोने की कीमत में 48 रुपए की गिरावट देखी गई। वहीं चांदी के रेट में 65 रुपए प्रति किलो की कमी दर्ज की गई है। युवा डॉक्टरों और नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अगले सोमवार तक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की ठोस वजह मांगी। पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे कलाकार दानिश खान के। राम और सैमुअल खान के कई बनने पर विवाद। पुलिस के पास गुहार लेकर पहुंचे कलाकार। आईसीआरए ने पहले जीडीपी ग्रोथ 8.5% रहने का अनुमान जताया था। दूसरी 6 माह में स्थितियां ज्यादा बेहतर होने की। सूरत में ग्रीन मैन के नाम से मशहूर विरल देसाई को एकेडमिक करिकुलम कमेटी में किया गया शामिल। करिकुलम कमेटी में शामिल होने वाले इकलौते बिजनेसमैन हैं। सूरत शहर में 97% लोगों ने लगाया कोरोना का पहला टीका। 34,32,000 में से 33,25,000 लोगों को पहला टीका लगाया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गए दिल्ली। कैप्टन के दिल्ली दौरे से अचानक गर्मा गई राज्य की राजनीति। पाकिस्तान समर्थित जिहादी आतंकी अफगानिस्तान से कश्मीर में कर सकते हैं प्रवेश। यूएन में यूरोपियन फाउंडेशन का फार साउथ एशियन स्टडीज ने जताई चिंता। मसूरी में 184 साल ब्रिटिश कालीन लंढोर डाकघर बंद। यहाँ प्रसिद्ध शिकारी जिम कार्बेट के पिता ने दी थी अपनी सेवाएं। 1837 में हुई थी लंठोर डाकघर की स्थापना। उत्तर प्रदेश में मदरसे में बच्चों के पैरों में बांधी जाती थी जंजीर। पुलिस ने कई धाराओं के तहत दर्ज किया मुकदमा और मौलवी को किया गिरफ्तार। तुरंत खाली करे पाकिस्तान भारत के बोलते ही मचा हड़कंप। भारत के इस जवाब में तुरंत बाद दुनिया भर के फोक को लेकर हो गया पाकिस्तान का विरोध शुरू। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को जान से मारने की दी थी धमकी। 4 के खिलाफ केस दर्ज। सांसद प्रतिनिधि मौलाना हसनैन ने सफीपुर कोतवाली में कराई रिपोर्ट दर्ज। राष्ट्रपति बाइडेन ने की भारतीय मीडिया की तारीफ तो गुस्सा हुए अमरीकी रिपोर्टर। कहा कि आरएसएफ ने अनुसार अमरीकी मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता के मामले पर 44वें स्थान पर है। उरी में पकड़ा गया 19 साल का आतंकी बाबर। पैसों के लालच में ज्वाइन की थी लश्कर ए तैयबा। उरी में भारतीय सेना को मिली है कामयाबी। बीजेपी के सवाल पर हार्दिक पटेल ने दिया करारा जवाब। भाजपा ही असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये लोगों को जाति के आधार पर बांटने की कर रहे हैं कोशिश। नीरज चोपड़ा ने दी डांस शो में शिरकत। कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस देख उड़े नीरज चोपड़ा की होश। फिर किया स्टेज पर भाला फेंक भांगड़ा। मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया अपना इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस में फिर मची घमासान। पश्चिमी यूपी में सम्राट मिहिर भोज को लेकर हुआ विवाद। दादरी में लगी मूर्ति से जाति का गरमाया मुद्दा। गुर्जर समाज ने फिर मूर्ति पर लिखे नाम से गुर्जर जोड़ा। आज की खबरों में बस इतना ही। तो देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।